तो भैया ऐसी बात है, म्यूजियम हो, रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी हो, ट्रेन लवर्स हैं तो ट्रेन मिलनी जरूरी है। तो यहाँ भी एक ट्रेन मिल गई है अपनी छोटी मिनी राजधानी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स एच वाई। तो आज हम आए हैं कानपुर और यहाँ पर वाटर पार्क में, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क में, विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थीम पार्क इन इंडिया। तो और ये करीब जो है 25 एकड़ में फैला हुआ है। और आपको प्राइसेस बता दूँ, अगर आप एम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क दोनों का जो है टिकट लेते हैं तो आपको पड़ता है 750 रुपये का। अब चलिए अंदर चलते हैं। तो आज मेरे साथ भैया आए हैं, रवि भैया। तो ये आपको सब बताएंगे, थीम जो है यहाँ पर इनको पता है। हाँ भैया बताइए। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि हम लोग ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क में, मेरा भाई और दोस्त हिमांशु। तो अभी हम लोग थीम जो आप देख सकते हो ये लंदन के ऊपर बेस्ड है टोटली। और आप देखोगे जो आर्किटेक्चर डिजाइन है ऑलमोस्ट लंदन की बैकयार्ड गलियों के ऊपर है। आप दिखा सकते हैं हिमांशु सामने से दिखाना, और आप देख सकते हो ये टोटल एक विक्टोरियन एरा के ऊपर बेस्ड डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया गया है कि जो एक विक्टोरियन 70s और 80s का लंदन था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पेवमेंट और पूरा आर्किटेक्चर दिखाया गया है। बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही प्यारा लगता है, और सामने से तो और भी अच्छा लगता है। तो अब जो है मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, और अब जो आगे का ब्लॉग देखेंगे वो पूरा जो है फोन से शूट होने वाला है। और ये जो है बधुआ मजदूर बना दिया गया है, चाबी है लॉकर की, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दिस अमेजिंग वाटर पार्क ब्लॉग। काफी बढ़िया जो वाटर पार्क है और बेहतरीन ब्लॉग, हैप्पी जो है ब्लॉग बन रहा है, मजा आएगा बहुत, पूरा देखिए। चलिए जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अभी बोलोगा, उसके बाद ये पलटेगा, नीचे आएगा पानी, इसके नीचे खड़े होते हैं और मजा लेते हैं बेहतरीन वाला। एक और स्लाइड में चलो, पार्क में जो मिल रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों के पास वाटर प्रूफ कवर्स हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने कवर्स बाहर से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ के कवर्स बिल्कुल ही वाहियात हैं जो कि पानी नहीं रुकते हैं। आप अच्छा कवर बाहर से लेके आएँ। और मैंने तो जो अमेजोन से लिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे 150 रुपये की मिल रहे हैं, बट अभी एक दो लोगों ने बताया कि उसमें पानी जा रहा है, तो आप अपना जो है परचेज करके आएँ जैसे कि मैंने किया है। डर लग रहा, डर क्यों लग रहा भाई, मजा लो, डरो मत, पीछे ले जाओ बेहतरीन। मजा आ रहा है, मजा भाई, डर रहा अपना। मजे लो भाई मजे, डरो मत। तो भैया ऐसी बात है, म्यूजियम हो, रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी हो, ट्रेन लवर्स हैं तो ट्रेन मिलनी जरूरी है। तो यहाँ भी एक ट्रेन मिल गई है अपनी छोटी मिनी राजधानी, तो चलिए उसमें एक राइड लेते हैं।
ऑन बोर्ड हो चुके हैं हम लोग, तो पांडे जी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, चलिए अब। काफ़ी देर वाटर पूल और सब कुछ करने के बाद थोड़ी भूख लगी है। पांडे जी खाया जाए, भूख लग रही है? नहीं लग रही स्टार्ट, तो चलिए आप कुछ खाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। बहुत कर रहा है, इसका जो फॉल है बहुत हाई है, मजा आ जाएगा आपको। सेक्शन से तो इतना ही, और हमने लिया था एम्यूजमेंट पार्क प्लस वाटर पार्क। तो वाटर पार्क मैंने आपको दिखा दिया इस पार्ट में, अब एम्यूजमेंट पार्क के लिए एक और दूसरा पार्ट बनाऊंगा। कपड़े बड़े बढ़िया चेंज हो गए हैं, तो अब बस अब मैं जा रहा हूँ एम्यूजमेंट पार्क। करीब 5 बज गया है, तो अब 2-2.5 घंटे जो है टाइमिंग्स जो है 7:30 बजे तक की रहती हैं, तो 2-2.5 घंटे एम्यूजमेंट पार्क में रहूँगा, वहाँ इंजॉय करूँगा। तो वहाँ का आपको ब्लॉग अगले पार्ट में दिखेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। अगर आपको मज़ा आया है और आपको लगा है, और वाकई मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप कभी आए हैं या आने वाले हैं ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क कानपुर में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द टाइम।